नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ राउंडअप में छत्तीसगढ़ की खबरों की बात होगी, लेकिन उससे पहले एमपी से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। हरदा में मनमानी फीस वसूलना भारी पड़ा है। नॉन निजी स्कूलों पर भारी भरकम जुर्माना लगा। नॉन निजी स्कूलों में 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 10% से ज्यादा फीस वृद्धि करने पर यह कार्रवाई हुई है। 15 दिन में अतिरिक्त फीस लौटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। जिले में अब तक 15 स्कूलों पर कार्रवाई हो चुकी है। तो मनमानी फीस वसूलना भारी पड़ा है स्कूल प्रबंधन को। 9 प्राइवेट विद्यालयों पे 2 लाख रुपए की शास्ति आरोपित की गई है, क्योंकि इनने अपनी फीस संरचना विगत वर्ष की तुलना में 10% से अधिक वृद्धि कर ली थी, जो कि शासन के नियमों के विरुद्ध है। और क्या कार्रवाई, 2 स्कूलों को नोटिस भी दी गए? सर, 2 विद्यालयों को चेतावनी पत्र जारी इसलिए किए गए हैं क्योंकि उनने त्रुटिवश उनसे फीस संरचना गलत अंकित हो गई थी। सर, उसकी विस्तृत जाँच की गई और पाया गया कि ये मानवीय त्रुटि है, इस कारण उनको भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए चेतावनी पत्र जारी किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मनमानी फीस वसूलना हो, मनमाना आदेश देना हो, चाहे वो बुक्स की बात हो, चाहे बस की बात हो, तमाम तरह की चीजें हम देखने लगातार सामने आ रही हैं। स्कूल प्रबंधन किस तरह से लापरवाहियां कर रहा है और मनमानी बरत रहा है। अब गाज गिरी है, कार्रवाई हुई है मनमानी फीस वसूलने पर। जी रितु जी, हरदा जिले में जो है, सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्रवाई की शुरुआत हरदा जिले से हुई थी। विगत 15 मई की बात है, कलेक्टर हरदा को जो है इस पूरे मामले की शिकायत हुई थी और उन्होंने जांच की थी। और जो मध्य प्रदेश सरकार का जो 2018 का जो फीस अधिनियम है उसको लेकर जो है कलेक्टर ने 4 निजी स्कूलों पर कार्रवाई करके और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया था। उसके बाद लगातार इस तरह की कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में देखने को मिली और आज भी हरदा में जो है हरदा कलेक्टर और के निर्देश पर जो है शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और यहाँ पर 9 स्कूलों पर जो है कार्रवाई करके 10% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। निश्चित तौर पे ये जो खबर है, जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जो निजी स्कूलों की मार थी, फीस की मार थी, उससे पेरेंट्स काफी दबे हुए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें भी तत्काल एक्शन लिया और स्कूलों पे नकेल कसने के जो है निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा भी दिए गए थे और उसी का परिणाम है कि लगातार जो है जो पालक जो पेरेंट्स हैं उनके लिए जो है एक राहत भरी खबर है कि प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही यहाँ पर जो 2 निजी स्कूल हैं ऐसे जिन्होंने फीस वृद्धि की थी उनको भी नोटिस जारी किया गया। 28 स्कूलों पर कार्रवाई की बात यहाँ शिक्षा विभाग ने किया। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के सहायक संचालक हैं बलवंत पटेल जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया जा रहा है? सर, क्या है सर, अप्रैल माह में स्कूल शिक्षा विभाग का सर्कुलर आया था कि मध्य प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों की फीस के लिए जो 2020 का नियम है उसका परिपालन हर अशासकीय विद्यालय को करना है। तो जब हमारे जिले के कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार एवं हमारे जिला पंचायत के सीओ के मार्गदर्शन में जांच दलों का गठन किया गया और जांच दलों ने ये पाया कि ये विद्यालय 2020 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फीस वृद्धि भी 10% से ज्यादा कर रहे हैं जो शासन के नियमों के खिलाफ है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जा रही है। सर्वप्रथम 2 विद्यालयों से शुरुआत हुई थी, फिर उसके पश्चात 4 विद्यालयों पर शास्ति आरोपित की गई और आज 9 विद्यालयों पर अर्थदंड लगाया गया। सर, एक तरह ये सवाल था कि अगर कोई पालक अगर ये चाहे कि उसकी जो बच्चे उनके जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अगर वो शिकायत करना चाहे फीस वृद्धि की तो किस तरीके से करेंगे सर, वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे बालकों को? शिकायत करने के लिए बहुत ही हमने सुलभ माध्यम बनाया, हमने अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इस कंट्रोल रूम में 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो पालक उन नंबरों पे कॉल करके किसी स्कूलों से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इनकी मॉनिटरिंग सर मैं अपने स्तर पे कर रहा हूँ। मैं इस गतिविधियों का संबंध नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। क्या अधिनियम है शिकायत करने का? 2020 का फीस रेगुलेशन एक्ट है, उसका परिपालन हर अशासकीय विद्यालय को करना चाहिए। कोई भी विद्यालय विगत सत्र की तुलना में नए सत्र में 10% से फीस नहीं बढ़ा सकता। अगर कोई भी विद्यालय 10% से अधिक फीस वृद्धि करता है तो प्रथम दृष्टया उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा।
जी रितु जी, जैसा कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे बलवंत पटेल जी, उन्होंने ये बताया कि 2020 का सरकार का नियम है जिसमें कोई भी विद्यालय जो ऐसा है जो निजी स्कूल है वो 10% से ज्यादा वृद्धि यहाँ फीस में नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे ये जो एक राहत भरी खबर है पूरे प्रदेश भर में जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बड़े स्कूलों में, निश्चित तौर पे एक अच्छी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जी वाकई जिस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं संदेश है बाकी स्कूल प्रबंधनों पर भी, अगर ऐसे मनमानी रवैया चलता रहा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे स्कूलों पर जो है ताला भी लग सकता है। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर की बात करते हैं। कोर्ट ने 2 आरोपियों को ईओडब्ल्यू के रिमांड में सौंप दिया है। आरोपी सूर्यकांत तिवारी को ईओडब्ल्यू के रिमांड में सौंपा गया है। निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई को रिमांड में सौंपा, 4 दिन के रिमांड में सौंपे गए हैं। दोनों आरोपी 3 जून तक ईओडब्ल्यू के रिमांड में रहेंगे ये दोनों ही आरोपी। तो छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में लगातार पूछताछ जारी है और जो ये आरोपी हैं, 2 आरोपियों को ईओडब्ल्यू के रिमांड में सौंपा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, लगातार कोयला घोटाले में पूछताछ तो जारी है, अब 2 आरोपियों को ईओडब्ल्यू के रिमांड पर सौंपा गया है, कई सारे खुलासे बहुत जल्द। देखिए रितु, इससे पहले भी जो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अदालत से विशेष अनुमति लेकर के जेल में जाकर के इन आरोपियों से पूछताछ की थी, अलग अलग जो पूछताछ हुई थी। अब उसके बाद जो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने इन्हें रिमांड में लेने के लिए न्यायालय में आवेदन लगाया था, 3 जून तक जो निलंबित आईएएस है समीर बिश्नोई और व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, इन दोनों को जो 3 जून तक के रिमांड पर ईडी की एसीबी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया है और आगे की पूछताछ करेगी। काफी लंबा चौड़ा ये घोटाला था कोल स्कीम का, तो उससे अब पूछताछ की जाएगी। लेवी प्रति टन जो लेवी वसूलने का आरोप है इन अधिकारियों पर लगे थे, साथ ही साथ पद में रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप इस पर लगे हुए थे। इसमें कुछ खनिज अधिकारी के भी नाम शामिल नहीं आए थे और किस तरह से पैसे को कलेक्ट करता था, कौन कहां ले जाता था, इन तमाम कड़ियों को जो एसीबी ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो जोड़ेगी और उसके बाद देखना होगा कि आगे रिमांड लेती है एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम या नहीं। लेकिन अगर नए साक्ष्य अगर मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो आने वाले समय में और भी आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया योगल। बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दारू पार्टी की खबर पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया, जांच के बाद आरएचओ को भी सस्पेंड किया है। सेरग दांग सरकारी अस्पताल की खबर हमने दिखाई थी, डॉक्टर का शराब पीते वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो सामने आया था, प्रमुखता से हमने ये खबर दिखाई थी। उसके बाद अब जो है गाज भी गिरी है न्यूज 18 की खबर का असर। दरअसल दारू पार्टी की खबर पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, जांच के बाद आरएचओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सेरगदांग सरकारी अस्पताल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसे हमने प्रमुखता से पहले भी दिखाया था, जहां पर डॉक्टर शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सामने आने के बाद प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, न्यूज 18 की खबर का असर। जी मैं बता दूं कि एक बार न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के सेरंगदांग उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर दारू पार्टी करते का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले पर कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया था और जांच टीम गठन करने की बात कही थी, जहां जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद आज उसे निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने आज उसे निलंबित कर दिया है और निलंबन अवधि में उसे सामुदायिक केंद्र कुसमी में आदेश जारी किया गया है। लगातार जो मामले आए थे उसके बाद मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का यह कहना था कि इसमें टीम गई है, जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी, जहां जांच रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद आगे ये कार्रवाई की गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।